नमस्कार, एमबीसीजे 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज की ताजा खबरों के साथ मैं स्वाति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ग्राम पंचायत सिलुआ पडरिया के भावी प्रत्याशी सुजीत पटेल ने जन समर्थन से अपनी जीत सुनिश्चित की। जीत के साथ ही यह आशा व्यक्त करते हुए बताया कि जिस प्रकार पिछले 12 सालों से सरपंच के पद पर रहकर लोगों की सेवा कर समस्त माताओं बहनों का आशीर्वाद प्राप्त किया है, आगे भी करूंगा, लोगों को पूरा सहयोग दूंगा। उप सरपंच की जीत के इस मौके पर समस्त ग्रामीण जन उपस्थित होकर सभी ने अपनी खुशी व्यक्त की। संभागीय ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव के साथ संवाददाता जयराज चौधरी की रिपोर्ट। तीसरी बार उप सरपंच का चुनाव जिताया, चौथी बार उप सरपंच का चुनाव जिताया है, क्योंकि चूंकि इस बार सीट आदिवासी थी तो लोगों की इच्छा थी कि ऐसे विकास करने वाले प्रत्याशी को ही हम लाएंगे। इससे पहले और वर्तमान में अभी उनकी धर्म पत्नी श्रीमती राजमणि पटेल जी सरपंच थीं, उनने इतना विकास का काम किया है और इस चुनाव को लोगों ने इतना बड़ा रूप दे दिया था जैसे जिला पंचायत का चुनाव हो, लेकिन जनता ने ये कसम खाई है। और आपकी जनता इतनी जागरूक है, वो जानती है, वो सिर्फ विकास पर मोहर लगाती है। और यहाँ के पंच लोगों ने भी मन बना लिया था कि सीट नहीं आई तो क्या हुआ, ऐसे विकासशील पुरुष को, ऐसे प्रत्याशी को हम छोड़ेंगे नहीं, हम उन्हें उप सरपंच के रूप में सेवा करने का मौका फिर से देंगे। सुजीत भैया जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं और ऐसे ही नेतृत्व में मोदी जी जिस प्रकार से देश का विकास कर रहे हैं, सही, वो सारी राजनीति परिवारवाद हर चीज से उठकर केवल राष्ट्रवादी की राजनीति करने वाले नरेंद्र मोदी हैं, इसी सोच को लेकर हम लोग काम करते हैं। और जनता यहाँ की, दोनों गांव की, सिलुआ पड़रिया की, हमेशा हम लोगों को बेहद प्यार और आशीर्वाद देते हैं। सभी पंचों को बहुत बहुत धन्यवाद और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि उन्हें नमन करते हैं। और जनता को आश्वस्त करते हैं कि किसी भी विकास के काम में हम लोग कमी नहीं छोड़ेंगे और इस गांव को स्वर्ग के जैसा बनाएंगे, इस पंचायत को स्वर्ग।